कहते हैं कि सफर वसीला जफर है, और जफर को पाने के लिए हमारा अजरबैजान से मिलना काफी जरूरी हो गया था। और इस मिशन में मेरे साथ इस दफा पूरा ग्रुप है जो कि अजरबैजान से मिलने को बेताब है। पैंतीस हजार फुट की बुलंदी से पीयूष आएगा आप सबको सलाम। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बाकू फॉर सीन्स इन अजरबैजान विद हेल्प ऑफ ट्रैवल्स एंड इरफान जुनेजो। इस वक्त एक बच्ची आगे वाली सीट से मुझे घूर रही है। कराची से हमारी एयर अरेबिया की फ्लाइट सुबह के 2:40 पर निकली, जो कि 1:45 परवास करके शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां पे हम 4 घंटे ख्वार हुए क्योंकि ट्रांसलेट था। और शारजा का एयरपोर्ट क्या बताऊँ भाई मैं, वो एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट था, मुझे कैंट स्टेशन की याद आ गई। बस सिर्फ पान की पीको की कमी थी और कचरे की कमी थी, बाकी लोग ज़मीनों पड़े थे एकदम बुक्कड़ हंगरी पीपल। तो खैर ये ब्लॉग काफ़ी ऊपर से आने वाला है लिटरली। अभी हम सदर की गलियों से गुजरते हुए निज़ामी स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ है साद और कामरान। मजाक कर रहा हूँ, सदर की गलियाँ नहीं है मगर ये बिल्कुल लग सदर की गलियाँ हैं, जैसे कराची की सदर की गलियाँ। ऐसा लग रहा है मैं ज़ैब-उन-निसा स्ट्रीट पर हूँ, ज़ैब-उन-निसा। सदर की गलियों से चलते चलते हम एक भाईजान की चौरंगी पे आ गए। इनका नाम है हैदर भाई, हैदर अली भाई, कोई बड़े ही मशहूर शख्सियत हैं बाकू की लग रहा है मुझे। तो सलाम करते हैं इनको भाई, वालेकुम सलाम। आ गए हम आपके पास हाज़िरी भराने। बाकू की वाइब्स जो है ना थोड़ी मुझे, अब अभी 8 बज रहे हैं और थोड़ी सुनसानियत सी हो गई है। पता नहीं यार लोग कम है, लोगों की कमी है, या तो इस्लामाबाद से बड़ी इंस्पिरेशन ली मुझे लग रहा है। अगर किसी जगह को सही से देखना हो तो उसका सबसे बेहतरीन हल पैदल चलना है। आप धीरे धीरे चलते हैं और आसपास की छोटी छोटी डिटेल्स ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं, और गलियों में कुछ ना कुछ तो अनोखा दिख ही जाता है। साथ कामरान और मैं बाकू की हसीन गलियों से गुजरते हुए निज़ामी स्ट्रीट पहुंचे, जो कि मेरे ख्याल से बाकू का तारिक रोड है। इरफान भाई को कटा के साथ कामरान और मैं जो है निज़ामी स्ट्रीट आ गए थे। पैदल चले हमें तकरीबन 45 मिनट लगे, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, लगने 30 मिनट चाहिए थे, मगर हम लोगों ने बड़े स्टॉपअप्स लिए और बस तफरीक करते हुए इस्लामाबाद की गलियों से हम पहुंच गए निज़ामी स्ट्रीट। फिर हमने यहाँ बड़ा खाना वाना ठूसा, बड़ा माहौल है भाई, रंगीन जगह है। अब बहुत थक गए हैं और जो है ऊबर मंगवाई हमने, ऊबर वाले भाई पता नहीं कहाँ है, कह रहे हैं शारा फैसल में फंस गए। हमने बोला भाई झूठ नहीं बोलो यार, क्या मसला है आपको। अभी हम मौजूद हैं हैदर अली सेंटर पर। मैं थोड़ा 1 घंटा लेट पहुंचा हूं, क्यों, क्योंकि आगा भाई की फ़्लाइट थी। आगा भाई हमेशा लेट ही आते हैं, ऊपर से आते हैं हमेशा वो, तो उनको मैं एयरपोर्ट से लेने गया था। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, ये सारे लड़के जो है, लड़के लड़कियां जो है यहाँ, इन्होंने सारा टूर ले लिया जगह का। इस वक्त हम मौजूद हैं मार्टर्स एवेन्यू, यहाँ तो बागे शहदा कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे किसी ज़माने में जंग के जो है शहीद हैं वो यहाँ दफन है, और यहाँ सिर्फ एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी है। हमें घुमा रही हैं जहाँ, जो कि हमारी टूर गाइड हैं, दिखाऊंगा आपको मैं, तो वो तो पागल हो गई, वो तो देख रही है कि भाई ये तो बंदे बार बार रुक रहे हैं और इतनी तस्वीरें ले रहे हैं और वीडियोज़ ले रहे हैं, तो सोच रही है कि हम किन नस्लों में फंस गए, हम उनको पता नहीं है कि हम बड़े ख़तरनाक पाकिस्तानी हैं। मेरे पीछे मौजूद है उन शहदा की कब्रें जो जिन्होंने जान गंवाई थी रशिया से जान छुड़ाने के लिए। तो बड़ी एक दुख भरी दास्तान है, कहते हैं लोग बड़े शहीद हो गए फजूल में तो नहीं, खैर आज़ादी के लिए। इस ट्रेजेडी के दौरान एक और ट्रेजेडी ये थी कि बड़े एक खूबसूरत प्रेमी जोड़ा जो है ना, उसने भी अपनी जान गंवाई। तो बेसिकली आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो प्रेमी जोड़ा है, बेसिकली हुआ ये कि जो मर्द हज़रत थे साहब, ये इस जंग के सबसे पहले शहीद थे। इनके बिछड़ने का गम ना सहते हुए इनकी बीवी ने जो है ख़ुदकशी कर ली। तो बेसिकली इस पार्क के अंदर ये जो आग जल रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये जल रही है उन शहीदों को ऑनर करने के लिए जो कि इस जंग के अंदर शहीद हुए थे। तो बस ये तब से जलती रहती है, मुझे लगा कि भाई ये शुरू से ही जल रही है, मगर नहीं, नीचे सुई गैस का पाइप लगा हुआ है। साथ भाई तवां के बाकू केड़ो की क्या बोलेंगे, कैसा लगा तवां के बाकू की है लगो की है लगे हो आपको बाकू कैसा बाकू? लगा
باکو جی بہت خوبصورت ہے، بہت مزہ آیا ہے، بس ہم ویڈیو دکھائے۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا، سندھی اور صداقی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، ظلم ہو رہا ہے پیچھے۔ سلام علیکم، ہم یہاں ہیں لنچ کھانے اور نام کا جگہ ہی سلام علیکم ہے بھائی۔ سلام ہے، سلام ہے اس بندے کو جس نے اس کا نام سوچا، ایفرٹ ہی نہیں کی کوئی۔ وعلیکم السلام۔ ابھی ہم موجود ہیں پرانی انارکلی میں، مذاق کر رہا ہوں، ہمیں پرانے باکو میں جس کو اولڈ باکو کہتے ہیں، اور ابھی یہاں کی گلیاں ہم چھانٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بڑی مست گلیاں ہیں، فل کوبل اسٹون ٹائپ والی گلیاں جو فل یورپ والی ہوتی ہیں، بڑی پسند ہیں مجھے۔ امید کرتے ہیں کہ کسی دن کراچی میں بھی ایسی ہوں گی، کیونکہ آذربائیجان میں ٹرکش، رشین اور یورپین انفلوئنس رہا ہے، تو یہاں کا جو بلڈنگ کا اسٹرکچر ہے وہ جو ہے نا بڑا دل فریب ہے۔ مطلب ہم تو ترس جاتے ہیں کراچی میں ایسی صاف ستھری اور ایسے، مطلب اس آرکیٹیکچر کی بلڈنگیں دیکھتے ہوئے۔ یہاں کی عمارتوں سے جو ہے نا مجھے محبت ہو گئی ہے، دل کہہ رہا ہے ایک فلیٹ ہونا چاہیے یہاں پہ۔ یار ہم نا بڑے گرمی میں خراب ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا، تو اور یہاں سے اتنا موسم خراب ہے، اتنا خراب ہو رہا ہے، ہمیں اپنی پولیس مار رہی ہے، انقلاب نہیں آ رہا یار۔ کافی بور ہو گئے تھے اور مطلب تھک گئے چل چل کے، پھر ہم نے بولا، ڈیسائڈ کیا کہ یار چلو شطرنج کھیلتے ہیں، تو اب دو شطرنج کے کھلاڑیاں موجود ہیں، ایک میں اور ایک عرفان بھائی۔ عرفان بھائی بلیک ٹیم کے ہیں اور میں وائٹ ٹیم کا ہوں، آئرنی دیکھیں مجھے بلیک شرٹ پہنی مگر وائٹ ٹیم کا ہوں، خود بھی کہہ رہا ہوں خود بھی وائٹ ٹیم کا ہوں۔ خیر تو یہ ہمارے کھلاڑی ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے کھلاڑی ہیں، ہماری شطرنج ہیں، یہاں صرف ہم کھڑے ہیں۔